नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाइंग इज वन ऑफ द बैक बोन ऑफ अ रिटेलर जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ्स ऑपरेशंस है वहाँ पर उसकी बैक बोन बाइंग है सो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द की इन ए रिटेल फंक्शन अब वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में के क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसे क्या फंक्शंस हैं लेट मी टेक यू थ्रू वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को इफ आई सी सो आपके सामने ये एक खूबसूरत सा डायग्राम मौजूद है विच विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और वट फंक्शंस दे आर इन्वॉल्व एंड दैट इज़ परटेनिंग टू बाइंग ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले हमारे पास वी विल सी का लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी क्या है हाउ फॉर्मल इज दैट बाइंग ऑर्गेनाइजेशन उसमें डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कितनी है आइदर इट इज सेंट्रलाइज और डॉट और डी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल की ब्रेथ कितनी है पर्सनैल रिसोर्सिज कौन से हैं इंटरनल एक्सटर्नल हैं कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं स्टाफिंग किस तरीके से होगी तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी की तो एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे पहली बात ऑब्जर्व की जाती है वो ये की डिफाइन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंक्शंस कि आइदर इट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो अगर वो प्रॉपरली डिफाइन की गई होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप गोज अप टिल द बॉटम तो देन इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और अगर जनरली टास्क असाइन किए गए होंगे सो देन इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देर कैन बी वन और टू रिसोर्सिस बट देर इज नॉट अ पर्टिकुलर से डिसाइन करता है कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिटेल स्टोर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एज ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन रिटेलर की जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो सेंट्रलाइज्ड है या वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो अगर वो सेंट्रलाइज्ड है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अगर आपके रिटेलर के स्टोर्स एक से ज़्यादा है सो उन तमाम स्टोर्स की प्रिक्योरमेंट उनकी बाइंग किसी एक जगह से की जाती है विच मीन्स देर इज़ अ हेड क्वार्टर और देर इज़ अ रीजनल ऑफिस दैट रीजनल ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिक्योर फॉर ऑल स्टोर्स ऑनर खुद ही बाई कर रहा होता है डिसेंट्रलाइज तो अप्रोच या एक रिटेलर हर स्टोर के अंदर अपनी प्रिक्योरमेंट खुद करता है जो कि डिसेंट्रलाइज अप्रोच कहलाती है कि जहां पे स्टोर रिस्पॉन्सिबल है खुद से अपनी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का वेयर द रिटेलर इज वेयर दी दी और स्टोर इज ऑल्सोर टू बाई फॉर द गुड्स विच इज लुकिंग फॉर सेंट्रली मैनेज नहीं होगी डी तरीके से होगी देन ऑपरेशनल ब्रेथ कितनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में जनरल या स्पेशलाइज जब हम जनरली ऑर्गेनाइजेशन डेप ब्रेथ की बात करेंगे सो so ये इस तरह के रिटेल स्टोर्स हैं कि जहाँ पर ऑनर इट्स एक ही शख्स है और वो तमाम बाइंग का रिस्पॉन्सिबल है ख़ुद ही बाई करता है तमाम सप्लायर्स से ख़ुद ही मैनेज करता है तमाम निगोसिएशन को खुद ही मैनेज करता है तमाम असॉटमेंट मैटर्स को प्राइसिंग मैटर्स को प्रोमोशन मैटर्स को तो ये जनरल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जनरल टाइप ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर स्पेशलाइज की बात करेंगे तो ये वो रिटेलर्स हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं स्पेशलाइज्ड बायर्स हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस शॉर्टपिट मैनेजमेंट कैटेगरी मैनेजमेंट एंड ऑल दीज टास्क तो स्पेशलाइज्ड अगर टीम होगी अदर देन द इंडिविजुअल जो कि जनरली जनरल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेथ को शो करता है फिर जो रिसोर्सिज हैं आपके पास दर्सनैल यू हैव आई दर हैव इंटरनल रिसोर्सिस दे आर एक्सटर्नल रिसोर्सिस रेजिडेंट बाइंग ऑफिस या कोऑपरेटिव बाइक तो किस स्ट्रक्चर को किस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं अगर तो जो रिसोर्सेज हैं दे आर यूर दे आर फ्रॉम इंटरनल इंटरनली फ्रॉम दर्गेनाइजेशन और दे आर रिसोर्स जो कि एक्सटर्नली आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है थर्ड पार्टी पेरोल के ऊपर है या यू हैव अ रेजिडेंट बाइंग ऑफिस या नॉर्मली एक और बिहेवियर हमने देखा है जिसको हम पूल बाइंग भी कहते हैं कि ग्रुप बाइंग भी कहते हैं कि एक ग्रुप के लिए बाइंग कर ली जाती है दे आर नॉर्मली थ्रू द बाइंग हाउसेस फिर कॉपरेटिव बाइंग का कॉन्सेप्ट भी है अगेन क्या आप कॉपरेटिव बाइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं अगर कर रहे हैं सो विच मीन्स आपका मॉडल जो है वो पर्सनल रिसोर्स के अंदर वुड बी कॉपरेटिव बाइंग फिर हम बात करते हैं फंक्शन परफॉर्म की कि वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन किस फंक्शन को परफॉर्म कर रही है क्या वो सिर्फ मर्चेंडाइजिंग फंक्शन को देख रही है या वो बाइंग फंक्शन को भी देख रही है तो इस रोल को अभी हम डिटेल से आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी करते हैं कि क्या फंक्शंस वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो सिर्फ बाइंग का फंक्शन कर रही है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कवर होंगी कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कवर होंगे और अगर वो मर्चेंडाइजिंग का रोल भी कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से ऐसे जॉब्स कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि वो रिटेलर करेगा और फिर लास्ट जो एट्रीब्यूट हमारे पास है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टाफिंग तो जो स्टाफिंग है आइदर दे आर दीपल आर ओनली बायर्स और द सेल्स मैनेजर्स जिसको नॉर्मली फील्ड ऑपरेशन मैनेजर भी कहा जाता है या फील्ड मैनेजर भी कहा जाता है और फिर उसके बाद जो हमारे पास बायर्स हैं बट दे आर एक्चुअली फॉर मर्चेंडाइजिंग इस तरह के लोग को रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्चेंडाइजर्स Uh, या मर्चेंडाइजिंग मैनेजर भी कहा जाता है बिकॉज दे आर आर द पर्सन हु आर बायर्स बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्चेंडाइजिंग तो हम डिस्कस करते हैं अब सबसे पहले फंक्शंस के एस्पेक्ट में और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो वॉलमार्ट की एग्जांपल यहाँ गेवन है बिकॉज वॉलमार्ट जिस मॉडल को फॉलो uh, करता है वो मॉडल है इनसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का विच मींस दे हैव इन साइड ऑर्गेनाइजेशन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन देर डिवेलप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम वॉलार्ट के स्टोर के लिए प्रिक्योरमेंट करती है बाइंग करती है अब हम डिस्कस करने लगे हैं फंक्शन के परस्पेक्टिव में तो फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हमने दो परस्पेक्टिव डिस्कस किए हैं एक परस्पेक्टिव है मर्चेंडाइजिंग व्यू और दूसरा परस्पेक्टिव है बाइंग व्यू तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मर्चेंडाइजिंग व्यू को जब मर्चेंडाइजिंग व्यू की बात करेंगे तो ऑल बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन आर पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग व्यू यानी कि यहाँ पर जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग फंक्शन एज वेल एज सेलिंग फंक्शन अब स्टार्टिंग फ्रॉम दी असॉटमेंट देन एडवर्टाइजिंग एंड क्यूब जो जो डिस्प्ले है आपका पी यू एस डिस्प्ले वो फिर इसके अलावा आपके इम्प्लॉय की यूटिलाइजेशन आपके पर्सनैल की सेलिंग अप्रोच एवरी थिंग इज़ इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग व्यू क्योंकि यहां पर दोनों बाइंग फंक्शन एंड सेलिंग फंक्शन आर इंक्लूडेड अगर मैं बात करता हूं बाइंग व्यू की यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे फंक्शन इज बाइंग व्यू वहां पे इट इज़ प्राइमरि फोकस्ड ऑन बाइंग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बायर्स हैं वो बाइंग को मैनेज करते हैं क्या क्या बाइंग उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास बाइंग एडवर्टाइजिंग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइसिंग सो ऑल काइंड ऑफ निगोसिएशंस आर पार्ट ऑफ बाइंग फंक्शंस और बेसिक जो प्रमोशंस हैं दे आर पार्ट ऑफ बाइंग फंक्शन लेकिन अगर हम बात करेंगे सेल्स फंक्शन की तो वो बाइंग व्यू के अंदर नहीं नजर आएगा इसी इसी लिए इस तरह के केस के अंदर जहाँ पे बाइंग व्यू हो वहाँ पर जो इन स्टोर पर स्नैल है दे मैनेज ऑल अदर फंक्शंस जिसको हम बात करते हैं हाई दिटेज पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले वो हम बात करते हैं स्टाफ की यूटिलाइजेशन वो हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग अप्रोचेस या हम बात करेंगे असॉटमेंट इन द स्टोर मैनेजमेंट की सेलिंग के हवाले से तो ये अगर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी बाय द स्टोर इन द स्टोर ये बाइंग फंक्शन जो है वो मैनेज नहीं करेगा फिर हमारे पास वो टास्क आते हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग वर्सेस स्टोर मैनेजमेंट के करियर ट्रैक्स हैं स्टाफिंग के परस्पेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्स जो कि एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रहे हैं अगर तो वो मर्चेंडाइजिंग ट्रैक है तो क्या डिवीज़न होगी और अगर वो स्टोर मैनेजमेंट ट्रैक है तो क्या डिवीज़न होगी तो अगर मर्चेंडाइजिंग ट्रैक को एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होगी तो टॉप के ऊपर वुड बी

सेल्स मैनेजर तो ये नॉर्मली एक ट्रैक तो स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी लेट्स से असिस्टेंट और द सुपरवाइजरी लेवल एंड गोज अप टिल द स्टोर जनरल मैनेजर और द डिविजनल मैनेजर लेवल तो हम रिटेल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस की बात करते हैं सो वी कवर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एस्पेक्ट बेशक वो मर्चेंडाइजिंग व्यू हो बेशक वो सेलिंग uh, व्यू हो बाइंग व्यू हो इसी तरीके से बेशक वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो बेशक वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो बेशक वो सेंट्रलाइज्ड हो बेशक वो डिसेंट्रलाइज हो सो वी हैव टू कीप ऑल फैक्टर्स इन टू कंसिडरेशन बिफोर डिफाइनिंग आवर कंप्लीट रिटेल मॉडल